अगर आप भी एक दुकानदार हो, अगर आप भी ओके क्रेडिट ऐप का यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आपको यूज़ करने के लिए नहीं आता है, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ओके क्रेडिट ऐप का यूज़ कैसे किया जाता है। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नीतीश चौधरी एंड यू आर वॉचिंग टेक फैमिली। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप अभी तक हमारे टेक फैमिली परिवार का हिस्सा नहीं बने तो नीचे में दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, और साथ ही साथ आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल मिलेगा उसको भी क्लिक करके ऑल कर दें, ताकि टेक फैमिली यूट्यूब चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका जो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए और आप इन सभी वीडियो को सबसे पहले ही अपने फ़ोन में देख पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट लॉसिंग एनी मोर टाइम। तो यहाँ पे आ चुके हम ओके क्रेडिट ऐप पे। अब इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको ये सिखा देना चाहता हूँ कि ओके क्रेडिट ऐप आखिर है क्या, किस काम में इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, ओके क्रेडिट एक उधार डिजिटल खाता है, मतलब कि अगर आपके पास दुकान है, शॉप है, अगर आप किसी को उधार ही देते हैं तो इसमें आप रजिस्टर की तरह मेंटेनेंस कर सकते हैं। जिस तरह से आप जो है मान लीजिए तेल चीनी उधार ही दिए तो उसको आप कॉपी में नोट करके लिखते हैं, और जो वो बंदा जब आपको पैसे दे देते हैं तो आप उसका हिसाब को क्लियर कर देते हैं, या फिर कुछ पैसे को आप बकाया रख देते हैं रजिस्टर में, और तो वो तो हो गया आपके पास। लेकिन ये एक ऐसा ऐप है, इसमें जो है आप उधार खाता लिख भी सकते हो और जितना उसने दिया और जितना बकाया आप सब कुछ लिख सकते हो, वो भी मोबाइल के द्वारा। अब आपको रजिस्टर पे लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इसी प्रकार से है इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए जो है हम इस ऐप को ओपन करेंगे, और यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको अपना एक फ़ोन नंबर डालना होता है और इसको जो है वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पर अभी ये ऐप ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आते हैं कि यार आप इस ऐप को कौन से लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं जो हूँ अभी हिंदी में यूज़ करना चाहता हूँ, तो सिंपल हम हिंदी में जाएंगे, उसके बाद जो है मोबाइल वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना होता है। तो चलिए हम अपना एक मोबाइल नंबर को डाल देते हैं, और उसके बाद जो है हम ओके पे क्लिक कर देते हैं, और ये जो है मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड करेंगे जिसको यहाँ पर ला के आपको वेरीफाई करना हो। तो जैसे ही आप अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेजेस आ जाएंगे। अब आपको यहीं पे मैं सिखाऊंगा किस तरह से ओके क्रेडिट ऐप का यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए कि मैं हूँ एक दुकानदार, मेरा जो है एक राशन का दुकान है, और मेरा जो एक दोस्त है अर्जुन या फिर अमर या फिर राम, उसको मैं 1 किलो जो था तेल दिया था, ठीक ना, और उसने मुझे पैसे नहीं दिया। उसने मुझे बोला कि ये जो है उधारी में तुम लिख दो, मैं पैसे बाद में दे दूंगा, ठीक ना। अब इसे जो है मैं रजिस्टर पे नहीं लिखूंगा बल्कि ओके क्रेडिट ऐप पे यूज़ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें उधारी लिखा जाता है। तो मान लीजिए कि मेरा एक राम दोस्त था, उसे मैं 1 किलो तेल बेचा था, ठीक ना। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम नाम जोड़ेंगे, यहाँ पर ग्राहक जोड़े पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर राम लिख देंगे। तो चलिए हम राम लिख दिए और ओके कर दिए, ठीक ना। उसके बाद जो है हम राम लिख के ओके कर देते हैं, अभी नहीं हुआ। तो चलिए हम राम कुमार, अब यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब राम का जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। तो चलिए हम राम का जो नंबर है वो दरअसल ये है, ये है राम का नंबर, ठीक ना, इसको भी हम सेव कर देंगे। तो ये हो गया राम का नंबर, ठीक ना, और ये हो गया राम का उधारी खाता। यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया राम का उधारी खाता, ठीक ना। अब जो मैं उधार दिया वो यहाँ पे लिख दिया हूँ उधार दिया पे। अब हम राम को कितने रुपए का उधार दिया था, मान लीजिए कि मैं राम को दिया था 110 रुपये वाला तेल, ठीक ना। तो 110 रुपये वाला तेल दिए थे, उसके बाद जो है यहाँ पर हम कौन से तारीख को दिए थे, तो यहाँ पे आप तारीख खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी मान लीजिए कि 24 को दिया, आज दिया, ठीक ना। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे फ़ोटो भी जोड़ सकते हैं कि आपने क्या दिए थे, ठीक ना, यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे आपने तेल दिए या फिर चीनी दिए या फिर आलू दिए या फिर कुछ भी ऐसा सामान है जो दिए, तो इसका जो है आप फ़ोटो भी खींच के अपलोड कर दे सकते हैं, ताकि उस टाइम जो है आपको याद रहे कि हाँ मैंने क्या बेचा था, ठीक ना। तो हम रिसेंट पर जाएँगे, और अभी जो है मान लीजिए कि चलिए हम राशन कार्ड का एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, और मान लीजिए कि मैं जो हूँ
ये तेल दिया, ठीक ना। अब इसको हम सेव करके रख लेंगे, ठीक ना। तो ये देख सकते हैं कि राम कुमार के नाम पे जो है उधारी जो है 110 रुपये का, ठीक ना। तो ये जो मैसेज है अब राम कुमार के मोबाइल में चले जाएंगे, चले गए होंगे, ठीक ना। तो मेरे पास तो ये मोबाइल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो देख सकते हैं कि ये जो है नंबर और मैसेज चला गया, इसके नाम पे उधारी है, और इसका फ़ोटो भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। उधारी देख सकते हैं लिखे आ चुके हैं। अब मान लीजिए कि राम ने मुझे अगले दिन आके और पैसे दे दिए मुझे 90 रुपये, ठीक ना। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको यहाँ पे पेमेंट लिया में आपको लिखना है। मान लीजिए कि मुझे 90 रुपये राम ने दे दिए, ठीक ना। तो हम सही कर देंगे, तो इसका जो बकाया पैसा है यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखे आ चुके हैं। अब इसको जो है राम का मैसेज भी चले होंगे अपने फ़ोन में। अगर उसके बाद राम ने मुझे फिर आके 20 रुपये दे दिए, ठीक ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो है ज़ीरो हो चुके हैं। अब ना ही तो इसका माइनस है, ना ही तो ज़ीरो है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप जो है राम को कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और उनसे बातें भी कर सकते हैं। ये भी फ़ीचर है, और इसमें बहुत सारे फ़ीचर्स दिए गए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। और भी फ़ीचर्स है ऐप के बारे में, है सन आउट है, खाता है, तो काफ़ी सारी जानकारी जो है इस ऐप में दिए गए हैं। जैसे कि इसमें कितने ग्राहक जुड़े हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, लेन देन है, उसके बाद बैकअप है। अगर आपके पास गलती से कोई मतलब कि हिसाब किताब डिलीट हो जाते हैं तो उसे जो है बाद में वापस भी ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो है इस ऐप में कोड भी लगा सकते हैं, ताकि आपके सिवा जो है आपका खाता को किसी अन्य लोग जो हो छेड़छाड़ ना करे। तो यहाँ पे आप कोड भी लगा सकते हैं ऐप लॉक में लगाए में। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं ये लगा दिया, पैटर्न सेट पे क्लिक कर देंगे और कंफर्म कर देंगे। तो देख सकते हैं कि कंफर्म हो चुके हैं। और मैं इसमें जैसे वापस आऊँगा और दोबारा से इसमें जैसे ही घुसने की कोशिश करूँगा, तो मुझे जो है सबसे पहले पैटर्न मांगेंगे। और पैटर्न तो इस ऐप में होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट ऐप है। मान लीजिए कि आपके फ़ोन से कोई ले लिए कुछ देर के लिए आपका फ़ोन, और हिसाब में जो है कोई छेड़छाड़ कर देंगे, तो बाद में बहुत ही बड़ा दिक्कत हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से जो है आप ओके क्रेडिट ऐप का यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपके मन में जो कोई भी प्यारा सा कमेंट हो तो वो देना ना भूलें। और कैसा लगा ये मेरा वीडियो ये भी ज़रूर लिखें। तो वीडियो के अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे टेक फैमिली परिवार से नहीं जुड़े हैं तो नीचे में दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, और साथ ही साथ आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल मिलेगा, उसको भी क्लिक करके ऑल कर दें। तो मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। वंदे मातरम।